सनम, सनम, सुलेमान चाचा का पता लग गया। वो रैन बसेरे में रहते हैं। वो आपको जरूर उस रात की सच्चाई बता पाएंगे। हमें जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहिए। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करोगे? ये कैसी बात है आहिल? आपको मुझसे ही पूछने की जरूरत कब से पड़ने लगी? वाशरी क्या है कि सुलेमान चाचा बचपन से ही मेरी देख रेख करते थे और इतने सालों बाद मैं उनसे मिल रहा हूँ तो पता नहीं मैं उनके लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊँ। I was just thinking कि अगर तुम मेरे साथ चलती तो माँ के। क्यों नहीं आए? वो आपके इतने खास हैं और आप इतने अरसे बाद उनसे मिलने जा रहे हैं। हमें यकीनन उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए और जरूर मैं आपके साथ चलूंगी, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा अगर हम उन्हें कोई तोहफा देंगे तो। थैंक्स आहिर जी। आपको क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप खुद को मुझसे इतना दूर क्यों कर रहे हैं? जब से हम मजार से वापस आए हैं आपने मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की। अब ये सोचा है कि मुझ पर क्या बीत रही होगी, कितना अजीब लग रहा होगा मुझे। हमारे बीच जो कुछ हुआ उसकी पहल आपने की थी, तो फिर आप मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? You know what, Sanam? Just stop it, all right? इस घर में मेरी हालत एक अजनबी से भी बदतर है। कोई शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा करता? हर पल मैं रोती हूँ, तड़पती हूँ। इस दिल का क्या करूँ? दिल को हमेशा ये लगता है कि एक दिन आप मुझे वो जगह, वो हक जरूर देंगे जो एक बीवी को मिलना चाहिए। मैं दिल को मनाती हूँ कि मैं आपके लिए बाकी लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके साथ आपने रातें गुजारी, बल्कि मैं वो हूँ जिसके साथ आपका निकाह हुआ। अगर आपको वो हक, वो जगह मुझे देनी ही नहीं थी तो मुझे रहने देते अपने हाल। क्यों आए आप मेरे करीब? क्यों आए जी? मैं देखो ऐसी कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड है? अगर ऐसा नहीं है तो आप बीवी को छोड़कर एक नौकरानी के साथ बाजार क्यों जा? शट अप। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आहिल, आप प्लीज इसे ले जाइए बाजार, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सुलेमान चाचा के लिए तोहफा लेने किसके साथ जा रहे हैं। हमें बस हकीकत जाननी है, इसके अलावा कोई और बात मायने नहीं रखती। सुन लिया? तुम जानना चाहती थी कि मैं तुम्हें नहीं इसे क्यों लेकर जा रहा हूं। दिस इज द वेरी रीजन। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब। मेरे और सनम के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सनम वो लड़की है जिसके दिल में खुद से पहले दूसरे के लिए जगह होती है। अपनी मुस्कुराहट से पहले दूसरों को हंसता देखना चाहती है, क्योंकि वो हालात की बारीकियों को समझती है। और इस वक्त मैं जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं उसे समझने की बजाय अगर तुम इन छोटी छोटी बातों में अपना ईगो अगर बीच में ना लेकर आओ और इस बात को समझो तो मेरे लिए अच्छा होगा। और इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही कि मेरी अम्मी के गुनहगार को सलाखों के पीछे रखना। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ सको तुम्हारे लिए बेहतर है। चलो। इस सनम को अब पता चलेगा नई सनम का असली चेहरा।
सारे के सारे बस कंगले ही रहते हैं। बेगम साहिबा, आप हमें यहाँ क्यों लाई है? गजाला ये भोपाल का सबसे पुराना रैन बसेरा है और हम उस जेलर को ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। हो सकता है कि यहाँ पर वो हमें मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो उसे जानता हो और वो हमें उसके ठिकाने का पता दे, बस इसीलिए आए। लेकिन बेगम साहिबा, अब इतने सारे फकीरों में हम आपकी उस जेलर साहिबा को कैसे ढूंढेंगे? हाउ? उसे ढूंढने का एक तरीका है हमारे पास। खा क्या रहे हो? जो पहले काम करने आए पहले वो तो करो। बेगम साहब मार जाएंगे हम तो। चलो परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। अरे वाह वाह बेटा, क्या कमाल का गाती हो तुम। ये लो ये लो। सुन, वो तुमने उस जेलर को कहीं देखा है क्या? अरे वो बुढ़ी सी पगड़ी सी वो है? देखा है कहीं तुमने? वो देखो वो रे। हेलो बेगम साहिबा, खुशखबरी है। अगर खुशखबरी नहीं हुई ना तो हम तुम दोनों की जान ले लेंगे, समझे? नहीं नहीं बेगम साहिबा, खुशखबरी है। वो बुढ़िया, मेरा मतलब है वो जेलर, हमें मिल गई है। सच? हम अभी आते हैं। तुम लोग जो हम आम खिला देंगे। ठीक है चलो चल जाओ। ये लो। देखो यहाँ सब लोग फकीर हैं और हम तुमसे अपनी झोली फैलाकर तुमसे भीख मांगते हैं। हमें बता दो हमारी बेटी कहाँ है, बता दो हमारी बेटी कहाँ है। अल्लाह के लिए हमारी फरियाद सुन लो, बताओ हमारी बेटी कहाँ है, किस हाल में है, कैसी है, कुछ बोलो। चाचा, सुलेमान चाचा को जानते हैं? बताओ ना हमारी बेटी कहाँ है। हाँ वो जमीला कौन है, क्या उसके पास है हमारी बेटी? आप सुलेमान चाचा को जानते हैं? वो यहीं कहीं रहते हैं। चाचा, आप सुलेमान चाचा को जानते हैं? क्या जमीला ने हमारी बेटी की जान बचाई? अल्लाह के लिए कुछ तो बता दो। जमीला? हाँ जमीला। जमीला सहेली, मेरी सहेली। हाँ? वो तुम्हारे बेटे को ले गई। कौन? गोदली। गोदली? हाँ, गोदली जमीला। आप सुलेमान चाचा को जानते हैं? थोड़े बुजुर्ग से हैं, दाढ़ी
मुझे पता है नहीं, वो आगे भटके बना रहे होंगे। शुक्रिया। तुम बस यही रुको, हम अभी आते हैं, यही जाना मत कहीं, यही रुकना। वो जमीला, उसका पता हमें बता दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बेटी का पता बताकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारी बेटी जिंदा, हमारे बच्चे जिंदा, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। बहुत जल्द हमारी बेटी हमारे पास होगी। अम्मी, अम्मी आप यहाँ? वो नई सनम तो कह रही थी कि आप खालू खाला के साथ शहर के बाहर गई हैं। अम्मी आप क्या छिपा रही है? वो ये आयल बेटा, ये कुछ भी नहीं है। वो बुढ़ी औरत है ना, वो ऐसी हमेशा सबको पकड़ पकड़ कर ऐसे पर्चियां देती रहती है। बोलती रहती है कि उसका शौहर भाग गया है, तो ये उसका एड्रेस है, तो उसी ने बस ये पता ऐसे लिख के दे दिया, और कुछ नहीं है बेटा ये। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी, आपको हमारे पुराने खिदमतगार याद है, सुलेमान चाचा? अम्मी वो यहीं रहते हैं, मुझे अभी भी उनका पता लगा। यहाँ रहते? जी, मैं उन्हीं से मिलने आया था। लेकिन आहिर बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो जानते ही हो कि हम तो हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं। अगर सुलेमान चाचा यहाँ पर रहते हैं तो हमें पता होता ना कि वो यहाँ रहते हैं। हमें नहीं लगता कि वो यहाँ रहते होंगे। हमें चलना चाहिए, चलो चलते हैं। नहीं अम्मी, वो यहीं रहते हैं। और सबसे अच्छी बात बताए क्या, अम्मी जो सुलेमान चाचा ने अबू के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, मुझे उसके बारे में पता लग गया। मैं जानता हूं सुलेमान चाचा के पास असली कातिल का पता होगा। अब सुनिए सनम, तुम अम्मी को लेकर। चाचा सुनिए एक सेकंड। कैसा लग रहा बेगम साहिबा? आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। सर आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? सर मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। सर मैं अपने भाई का खून क्यों करूंगा? सर देखिए, अगर आप उस हया की बात पर यकीन कर रहे हैं सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ औरत पागल है। सर उसने पहले मुझसे निकाह किया, फिर मेरे भाई से। सर अब तक तो आप समझ गए होंगे ना वो किस तरह की औरत है। सर मेरी बात पे यकीन कीजिए। सर ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, कल जब मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन रात भर उस बारे में सोचने के बाद मुझे समझ आया कि जो कुछ भी हुआ उसमें फैंस की कोई गलती नहीं थी।
जब राहत अपनी व्हीलचेयर से गिरे तो फैज उनके आसपास भी नहीं था। जाने दो उसे। सच बात तो ये है कि जब राहत अपनी व्हीलचेयर से गिर रहे थे तो ठीक उसी वक्त फैज वहां पे आया और उसने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भैया जी, ये बात आप किसी के डर या दबाव में आकर तो नहीं कह रही है ना? जी नहीं। तुम जा सकते हो। शुक्रिया सर। शोहर के कातिल को क्यों बचाया? क्योंकि अब तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। फैज, मैं अपनी किस्मत से बहुत लड़ी हूं, लेकिन अब बस मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं इसे एक और मौका देना चाहती हूँ। अब मेरी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, मैं इसे खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। चलो। सुलेमान चाचा, आहिल बाबा, आहिल बाबा, चले बच्चा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप मिल गए आसिल बच्चा। मैंने आपको कितनी ढूंढने की कोशिश की, मगर आपका कोई पता नहीं चला। अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सही सलामत हैं। तो सनम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सुलेमान चाचा, ये आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। आहिल बेटा, इतने सालों के बाद तुम मिले हो, ये किसी तोहफे से कम है क्या? सुलेमान चाचा, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात पूछनी है। क्या बात है बेटा? आइए सुलेमान चाचा। सुलेमान चाचा, आज मैं आपसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जानने आया। मेरे अबू का कत्ल किसने किया? सुलेमान चाचा, किसने मारा नवाब साहब को? मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। बताइए सुलेमान चाचा, प्लीज। कभी दोबारा उस रात का जिक्र भी मत करना। बुरे ख्वाब को जितनी जल्दी भुला दिया जाए उतना ही अच्छा है। उसे भी बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। उसने तुम्हें फंसाया था। उसने किसने सुलेमान चाचा, किसने बचाया मुझे? बताइए सुलेमान चाचा, कौन था वो जिसकी वजह से अम्मी को इतनी सारी तकलीफें उठानी पड़ी? बताइए सुलेमान चाचा, खुदा के लिए बताइए प्लीज। तुम बेगम साहबा को नहीं जानते। बिल्कुल भी नहीं जानते। तो हमें बताइए ना सुलेमान चाचा कि हम क्या नहीं जानते। खुदा के लिए हमें बताइए कि उस रात क्या हुआ था।
हमारे लिए जाना बहुत जरूरी। चले मां चाचा बताइए, ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। उस रात को